फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं मखाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि मखाने में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। फ्रेंड, ढेर सारे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम का भंडार। मखाने हमारी मसल्स को मजबूत करते हैं। फ्रेंड्स, घर के बच्चे हो या बड़े, सभी को मखाने खाने चाहिए। मखाने खाने के बहुत फायदे होते हैं। आज जो हम मखाने से क्रंची बोल्स बनाएंगे वो आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चे और बड़े दोनों ही खाए रह नहीं पाएंगे। आप एक बार बना के तो दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं गैस की तरफ और अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मखाना बोल बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। आप ऑयल, देसी घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइंड या किसी और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो मखाने लिए थे इसको अपने पैन में डाल देंगे और इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। इनको धीरे धीरे चलाते रहना है और अच्छे से रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे। हमें इन्हें जब तक अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप एक बार बना के तो रखिए, बार बार आपसे खाने के लिए बड़े बच्चे हर कोई मांगेगा। सर्दियों का टाइम ऐसा होता है जब आप गुड़ और तिल दोनों चीजें खा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लड्डू बना पाए। अगर आप लड्डू बनाने का टाइम ना हो तो ये गुड़ वाली बॉल जरूर बनाइए। फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये आसानी से टूट रहा है। इस स्टेज में हमें मखाने को ले जाना है। अब हम इन मखानों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जिस कढ़ाई में हमने मखानों को रोस्ट किया था उसी कढ़ाई में हम हाफ कप गुड़ डालेंगे और इस गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। मैं यहाँ पर आधा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे। धीरे धीरे इसको चलाने का जाना है और धीरे धीरे स्लो आंच पे इसको मेल्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए, गुड़ को मेल्ट करते समय इसमें आप आधा चम्मच घी डाल सकते हैं लेकिन पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। हमें गुड़ को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो गुड़ कड़वा लगने लगेगा। इस बात का फ्रेंड्स, अब हमें इस गुड़ में अपने मखानों को ऐड करना है। जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे ना उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको मखानों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मखाने गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों, बड़ों, सभी को बहुत पसंद आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच तिल डालेंगे। मैंने यहाँ पर भुना हुआ तिल लिया है। अगर आपका तिल कच्चा है तो आप पहले उसको भून लीजिए फिर उसको यूज कीजिए। अब मैं इसमें तिल को ऐड करूंगी और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मखाना गुड़ से अच्छे से कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मखाना गुड़ के साथ अच्छे से कोट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारे तिलगुड़ वाले बॉल्स बनके तैयार है। फ्रेंड्स, जब भी आप इसको बनाएं तो थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि शुरू शुरू में जब हम गुड़ में मखाने डालते हैं तो वो चिपके रहते हैं। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं लेकिन गुड़ हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, चीनी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए गुड़ में बनाना प्रीफर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आप इसको बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए।
आप इसे बना के एक महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास लड्डू बनाने का टाइम ना हो तो ये बॉल्स जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।